In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Azhar. दोस्तों मूवी अजर जो रिलीज हुई थी 13 मई 2016 को ये एक बॉलीवुड बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जिसको 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई थी. इसके डायरेक्टर हैं एंथनी डिसूजा, प्रोड्यूसर हैं एकता कपूर और शोभा कपूर, इसके राइटर हैं रजत अरोड़ा. बात करते हैं कास्ट की. इसमें इमरान हाशमी, नरगिस फाकरी, देसाई, लारा दत्ता, कुणाल राय कपूर, गौतम गुलाटी, मंजोत सिंह, वरुण बडोला और कुलभूषण खरबंदा, ये सारे इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारी कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी. बता दें कि फिल्म की जो स्टोरी है वो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और साथ ही फॉर्मर नेशनल टीम के कैप्टन रह चुके मोहम्मद अजीरुद्दीन की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर फिल्म की स्टोरी बनाई गई है. खैर बात करते हैं कलेक्शंस की. फिल्म का इंडिया का लाइफटाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 35 करोड़ का, 35 करोड़ रुपए का. इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 49 करोड़ का. इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 7 करोड़ 80 लाख रुपए की कलेक्शन की थी. और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 56 करोड़ 80 लाख का, 56 करोड़ 80 लाख रुपीज का. इसका बजट था 35 करोड़ का. अब 35 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था और इंडिया से बाहर ओवरसीज का, अगर हम दोनों को इंक्लूड करके वर्डेड की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो बता दें कि फिल्म अजर बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी. फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है एवरेज की. गानों की बात की जाए तो फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 5 गाने थे. गानों को कंपोज किया था अमाल मलिक जी ने और साथ ही प्रीतम चक्रवर्ती जी ने भी. तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.